हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस जीके ऑफिशियल आईटी चैनल पे। हम आज देखने वाले कैसे आपका नेटवर्क स्पीड आसानी से बढ़ाएं। सबसे पहले तो आपको एरोप्लेन मोड पर दबा कर रखना है, उसके बाद यहाँ पर रिसेट वाईफाई ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करके रिसेट कर लेना है, जिससे कि आपका स्पीड बहुत ही मतलब अलग लेवल पर जाएगा। रिसेट हो जाने के बाद आपका नेट बंद हो जाएगा, तो उसे ऑन कर लीजिए और फिर देखिए इम्प्रूवमेंट। चलो तो अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपने मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग्स में आना है। अगर आपके पास दो सिम है तो आपको जो सिम ऑफ है उसका डाटा कार्ड अप्लाई करना है, जिससे कि उसका नेटवर्क पकड़े, और उसके बाद वापस अपने रेगुलर नेटवर्क के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो नेटवर्क प्रोसेस है वो रिसेट हो जाएगा और जिससे आपकी स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगी। और ट्रिक नंबर 3 ये है, आपको अपने सिम कार्ड सेटिंग्स में आना है, उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क टाइप जो होता है उसको आपको 2G सिलेक्ट करना है और बैक आ जाना है। 5-10 सेकेंड वेट करने के बाद वापस प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर आके उसे फिर से 4G कर लेना है, फिर देखेंगे आप उसका रिजल्ट, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब ट्रिक नंबर 3, ये सबसे मतलब सबसे अच्छी ट्रिक है, इन दो ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने उसी सेटिंग्स पे मोबाइल नेटवर्क के सेटिंग्स पे आना है, वापस जियो 4G यानी कि जो आपका नेटवर्क है उसे सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर APN होगा या फिर एक्सेस पॉइंट नेम्स होगा, तो आपको अपने एक्सेस पॉइंट नेम में जाना है और बाकी किसी को कुछ मत करने ना। और आखिरी में बियरर ऑप्शन आएगा, उस बियरर ऑप्शन में अनस्पेसिफाइड को अनटिक करके बाकी सबको टिक कर लेना है, और सब टिक हो जाने के बाद एक बटन आएगा ओके या फिर कंफर्म, उसे क्लिक करना कर लेना है और नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करके उसे उस सेटिंग को सेव कर लेना है। हो सकता है कि शायद उसके बाद आपका नेट ऑफ हो जाए और चालू ही ना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एरोप्लेन चालू कर एरोप्लेन मोड पे जाकर उसे वापस ऑफ करना है, जिससे कि आपकी वो सेटिंग्स एक्टिव हो जाएगी और आप उसका फ़ायदा मतलब आप देखोगे कि बहुत ही फायदा हुआ है। तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए ताकि उनको भी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए। ऐसे ही नया कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।